जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कम पैसे में व्यूज इतना सारा लिया है। आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं, 70 रुपए में 1000 व्यू से मेरे को पड़ा है, एक व्यू का 7 पैसा पड़ा है। ये कैसे हुआ आप लोगों को इस वीडियो में पूरा पता पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग जो है एडवर्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं बट उनको एड क्रिएट करना नहीं आता है, कैंपेन जो होता है एड नहीं क्रिएट कर पाते हैं। कैंपेन एड क्रिएट कर देते हैं बट उनका जो बिडिंग होता है, बिडिंग कितना देना पड़ता है, मतलब की कॉस्ट पर क्लिक कितना पैसा हमें देना पड़ता है, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं पड़ता है एंड ज्यादा पैसा पे कर देते हैं एडवर्ड के थ्रू एंड उनका पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है बट व्यू कम आता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कम पैसे में आप ज्यादा व्यूज कैसे इंक्रीज कर सकते हो और मैंने कैसे कम पैसे में इतना व्यूज इंक्रीज किया एंड अपना सब्सक्राइबर्स गेन किया एंड आप व्यूज देख सकते हो, बहुत सारा व्यूज भी मैंने गेन किया है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रूफ की कि सबसे कम पैसे में मैंने कैसे अपना व्यूज़ को इंक्रीज़ किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना ऐड यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। मैंने यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक जो होता है यहाँ पे देख लीजिए मैंने 11 पैसा दे रखा है बट यहाँ पे मेरे देख लीजिए यहाँ पे एवरेज जो है कॉस्ट पर क्लिक 7 पैसा मेरा यहाँ पे कट रहा है। आप लोगों के सामने यहाँ पे आप देख सकते हो ये 7 पैसा कटा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फ़ोन से ही बताऊंगा कैसे आप अपने ऐड को क्रिएट कर सकते हो एंड रन कर सकते हो गूगल एडवर्ड को। अपने कोई भी ऐड हो गया, आपका कोई भी वीडियो हो गया, उसे ईजी तरीके से आप क्रिएट करके रन कर पाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को अपना गूगल एडवर्ड ओपन कर लेना है, जो भी इसका आपका फोन हो जो भी मेल से यहां पे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपका फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। तो जैसे ही आप यहां पे फर्स्ट इंटरफेस आओगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। ऊपर में आपको यहां पे ऑप्शंस मिलता है देख लीजिए न्यू कैंपेन का, न्यू कैंपेन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे कुछ इस तरह का ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पे आपको नीचे में आना है, यहां पे देख लीजिए क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल ऑडियंस, यहां पे आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें मिल जाएगा वीडियो ऐड, आप लोगों को यहां पे वीडियो ऐड पे क्लिक करना है। इस पे आपको क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा कस्टम वीडियो कैंपेन, उस पे क्लिक करके एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो जो यहां पे मैं बोल रहा हूं वो आप इजी तरीके से करते जाइए, स्टेप बाय स्टेप 100% आपका जो ऐड है वो क्रिएट हो जाएगा एंड कम पैसे में आप ज्यादा व्यूज ले पाओगे। उसके बाद यहां पे कुछ इस तरह का ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। नेटवर्क थोड़ा वीक है, अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग रहेगा तो इजी तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप इस तरह निकलते आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले तो आपको अपना वीडियो ऐड जो होता है कैंपेन ऐड नाम होता है उसको आपको क्रिएट करना है। जो आप वीडियो यहाँ पे रन करना चाहते हो उसके रिलेटेड अपने एक नाम यहाँ पे फिल कर देना है, चाहे आपका कोई भी वीडियो हो उसका नाम यहाँ पे रख लीजिए अपने पहचान के लिए। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है जो कैंपेन है, तो चलिए हम लिख लेते हैं वोटर आईडी कार्ड। यहाँ पे मैंने अपना कैंपेन नाम यहाँ पे क्रिएट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए बिडिंग स्ट्रेटजी, ये आपको डिपेंड करता है आप किस पे रखना चाहते हो। यहाँ पे आप CPM पे रखना चाहते हो या यहाँ पे कॉस्ट पर व्यू पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फर्स्ट पे ही रखना है क्योंकि फर्स्ट पे ही हमें रखना है, क्योंकि अगर कोई भी बंदा क्लिक करेगा तभी आपका अर्निंग कट होना चाहिए, तभी आपका पैसा कट होना चाहिए, नहीं अदरवाइज किसी और को सिर्फ एड्स हो जाएगा पैसा कट हो जाएगा तो वो फायदा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल बजट की जगह डेली बजट करना है एंड यहाँ पे बजट में आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे रखूँगा 400 रुपए एंड उसके बाद यहां पे इसको आगे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपका डेली बजट यहाँ पे सेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखना है नेटवर्क, नेटवर्क ऑप्शंस मिल जाएगा, इस पर आपको नीचे वाला ये हटा देना है, जो इसका ब्लू टिक मार्क ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। नीचे वाला हटा देने के बाद ओनली आपको दो ही रखना है, वीडियो सर्च रिजल्ट या YouTube वीडियो, YouTube सर्च रिजल्ट या YouTube वीडियो, उस पर दो पे क्लिक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको अपना टारगेट लेना है, आप कौन से कंट्री में टारगेट लेना चाहते हो। तो वोटर आईडी कार्ड मेरा डिपेंड करता है वो आपके कंटेंट पे, कि कैसे आप कौन सा कंटेंट डाल रहे हो एंड कहाँ कहाँ आपको ऑडियंस चाहिए, कहाँ कहाँ से लेना चाहते हो। तो वोटर आईडी कार्ड ओनली इंडिया में है तो मैं इंडिया पे ही यहाँ पे क्लिक रखूंगा एंड लैंग्वेज हिंदी, आपका वीडियो किस लैंग्वेज में है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा इन्वेंटरी टाइप, यहां पे देख लीजिए इस पे आपको क्लिक करना है एंड यहां पे एक्सपेंडेड इन्वेंटरी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पे आपको यहां से एरो को खत्म कर देना है, एक्सपेंडेड इन्वेंटरी आप ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद यहां पे देख लीजिए आपको यहां पे ऑप्शंस मिल जाएगा एम्बेड यूट्यूब वीडियो, एम्बेडेड यूट्यूब वीडियो एंड लाइव स्ट्रीम पे इस पे क्लिक करना है एंड इस तरफ ऑप्शंस मिल जाएगा कंटेंट नॉट येट लेवल, यहां पे इस पे आपको क्लिक हटा देना है, मतलब कि वो रखना ही नहीं हमें। उसके बाद यहां पे हो गया हमारा आधा ऐड क्रिएट। अब उसके बाद यहां पे एडिशनल सेटिंग ऑप्शंस मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम करूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एडिशनल सेटिंग के बाद यहां पे आपको सबसे नीचे डिवाइस पे हमें क्लिक करना है, इस पे आपको क्लिक करना है एंड यहां पे आपको कंप्यूटर टैबलेट एंड यहां पे टीवी ये हटा देना है, ओनली मोबाइल पे रखना है। मोबाइल पे रखने के बाद आपको इसको सेट कर देना है। सेट कर देने के बाद दोबारा यहां पे आएंगे फ्रीक्वेंसी, यहां पे देख लीजिए फ्रीक्वेंसी कैंपेन का ऑप्शंस मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस मिलता है यहां पे फर्स्ट वाला कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी, हमें यहां पे पूछा जा रहा है कि एक बंदे को
कितना एड शो करना चाहते हो, एक वीक में या एक दिन में या एक महीने में, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं दो, कम से कम यहाँ पे हम दो डालेंगे। एंड यहाँ पे पर डे के जगह पर वीक, मतलब एक यहाँ पे एक हफ्ते में दो एड शो करना चाहते हैं एक बंदे को, हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बंदा इरिटेट होकर अनसब्सक्राइब या हो सकता है डिसलाइक भी कर दे, तो इरिटेट नहीं करना है बंदे को, परेशानी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एड जो शेड्यूल रहेगा ऑल डेज रहेगा, पूरे दिन हम चलाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे बोला क्रिएट योर ग्रुप एड, यहाँ पे आपको अपना ग्रुप एड जो होता है उसका नाम यहाँ पे क्रिएट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे आप अपने तरफ से डाल दीजिए वोटर, आप यहाँ पे डाल सकते हो, मैंने ऊपर डाला था वोटर आईडी, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वोटर सिर्फ अपने नॉलेज के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे में आओगे तो डेमोग्राफी, आप डेमोग्राफी में आप यहाँ पे जो टारगेट लेना चाहते हो ऑडियंस का, मतलब कि एज कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपने चैनल पे ऑडियंस ले सकते हो, सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो। एग्जांपल के लिए जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए मेल फीमेल एंड अननोन, आप अगर अननोन पे करोगे तो अननोन भी रखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे एज में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे 18 से लेके 44 तक की एज रखिए, क्योंकि ये जो ऑडियंस होता है, ये जो जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं ये एक्टिव होते हैं, 18 से 44 के बीच में एक्टिव रहेंगे, तो आप लोग 18 से 44 या आपके कंटेंट के हिसाब से, वो आपके चैनल के हिसाब से डिपेंड करता है आप कौन सा ऑडियंस लेना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे ये सेट करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है, ये आपका सेट हो जाएगा। सेट हो जाने के बाद यहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा, आप कहाँ से ऑडियंस लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा, वो आप डिपेंड करता है आपके चैनल पे, आपका चैनल किस चीज़ के ऊपर है। तो मेरा जो चैनल है टेक के ऊपर है, तो न्यूज़ पे यहाँ पे डाल देंगे एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल देंगे, ये हो गया हमारा। अदरवाइज आप इसे नहीं भी करोगे तभी भी चलेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आप कर दीजिए, ताकि आपका ये आपका जो टारगेट रहेगा वो ज्यादा लोगों तक जाए एंड एड जो है ज्यादा शो हो। उसके बाद नीचे आप देख लीजिए कीवर्ड, इसके स्किप करेंगे, टॉपिक एंड प्लेसमेंट स्किप कर देंगे। अगर आप कीवर्ड एंड टॉपिक एंड प्लेसमेंट डालते हो तो आपका जो एड है वो ज्यादा पैसा लगेगा एंड ज्यादा कॉस्ट पर जो क्लिक होता है बीडिंग आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अब हमारा आता है नीचे बीडिंग, आप यहाँ पे कम पैसे में ज्यादा कैसे एड को क्रिएट कर सकते हो, ज्यादा कैसे रन कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना एड देना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग के टाइम आप यहाँ पे कम से कम 10 पैसा एक एड को दीजिए, अदरवाइज आपका यहाँ पे एड ज्यादा शो होता है तो आप उसे कम कर सकते हो। इसी तरह मैंने यहाँ पे 10 पैसा दिया था एंड जैसे ही मेरा एड ज्यादा शो हो रहा था तो मैंने अपने वीडियो को कम कर दिया, कम करने के बाद मेरा 7 पैसा पे एड चला। एंड यहाँ पे देख लीजिए जैसे आप 10 पैसा देते हो तो इंप्रेशन यहाँ पे 33 मिलियन इंप्रेशन आपका शो होगा, 33 मिलियन तक आपका नेटवर्क से जितना भी एड्स है वो रन करेगा। एंड बाकी यहाँ पे आपको नीचे मिलता है योर यूट्यूब वीडियो, अब यहाँ पे अपना यूट्यूब वीडियो लाके उसको यूआरएल जो होता है उसको पेस्ट करना है। तो चलिए हम अपना यूट्यूब वीडियो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अपने YT स्टूडियो, आपका जो भी YouTube स्टूडियो है उसमें आ जाना है एंड यहाँ से अपना YouTube वीडियो को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद उसका जो लिंक होता है यहाँ पे जाके आपको पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए आपका यहाँ पे आएगा स्किपेबल एड या नहीं तो वीडियो डिस्कवरी एड, आपको वीडियो डिस्कवरी एड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एड यहाँ पे शो किया जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एड हमेशा यहाँ पे नीचे वाला ही करना, ऊपर वाला अगर करोगे तो वो टॉप लिस्ट पे रहता है तो कोई भी ज्यादा व्यू नहीं करता है, ये रहेगा नीचे वाला, मतलब किसी और का कोई वीडियो वॉच कर रहा है उसके नीचे आपका एड शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में हेडलाइन में आपको अपना वीडियो का टाइटल देना है, तो चलिए वीडियो का टाइटल यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एंड उसके बाद आगे हम क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपना वीडियो का टाइटल पेस्ट कर दिया एंड पेस्ट कर देने के बाद एक बात और ध्यान रखना है, जैसे कि आपने ये अलग अलग यहाँ पे ये लगा रखा है, एक कोमा हो गया, डॉट हो गया, वो आपको आपके वीडियो के टाइटल में नहीं होना चाहिए एंड आपके वीडियो के टाइटल में कुछ ऐसा बड़ा उसका किसी कंपनी का नाम हो गया या आपका जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इन सब का आप नाम इसमें नहीं डाल सकते। अगर यूट्यूब आप डालते हो तो उसमें एक स्पेलिंग का मिस्टेक कर दीजिए, जैसे YOUTA होता है उसमें आपको ई डाल देना है, यूट्यूब कर देना है, गूगल के जगह GOOGLE डालते हो तो उसमें ए डाल देना है, मतलब कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करना है, नहीं तो अदरवाइज आपका एड क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद आपको यहां पे अपने डिस्क्रिप्शन में जो भी आप लिखना चाहो प्लीज सब्सक्राइब यहां पे आप डाल दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, आप ये ऐसा डाल सकते हो प्लीज सब्सक्राइब। एंड उसके बाद जो आपका यहां पे देख लीजिए एड है, आप इसे ही दोबारा यहां से आपका टाइटल को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको यहां पे रिक्वायर्ड बोला जाए एड नेम, इस पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेकंड डिस्क्रिप्शन, यहां पे लाइक एंड शेयर आप डाल सकते हो, यहां पे आप डाल दीजिए ताकि लाइक एंड शेयर, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ऐड आपका यहाँ पे क्रिएट करने का क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका जो ऐड है वो क्रिएट हो जाएगा इजी तरीके से। यहाँ पे देख लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि आपका जो ऐड है वो क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका जो ऐड है इजी तरीके से क्रिएट हो चुका है एंड आपका आधे घंटे के बाद यहाँ पे आपका जितना भी इंप्रेशन व्यू एंड यहाँ पे
आपका कॉस्ट पर क्लिक कितना कट रहा है वो सब यहाँ पे एवरेज शो करना चालू हो जाएगा। पहले आपका एड रिव्यू किया जाएगा गूगल एडवर्ड के थ्रू, उसके बाद आपका एड यहाँ पे कंफर्म कंप्लीट किया जाएगा, एक्टिव किया जाएगा, तभी आपका एड रन हो पाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पे कम पैसे में अपना एड को क्रिएट कर सकते हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज आप पा सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे।